बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान साल 2023 में तीन फिल्मों के साथ बड़े पर्दे पर वापस से धमाका करने वाले हैं और इसकी शुरुआत फिल्म पठान से होने वाली है। फिल्म का बेशरम रंग गाना काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। हालांकि कुछ लोगों को इस गाने से प्रॉब्लम भी है, लेकिन आज उस प्रॉब्लम की बात हम नहीं करेंगे। शाहरुख खान के अलावा इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और जॉन एब्राहम भी है। बता दें आपको कि इस फिल्म के लिए शाहरुख खान काफी समय से काम कर रहे हैं और इस फिल्म के लिए उनका लुक भी हटके है। पठान फिल्म के लिए सभी एक्टर ने जी तोड़ मेहनत की है, चाहे वो जॉन एब्राहम हो या दीपिका पादुकोण या फिर शाहरुख खान। तो आज हम बात करेंगे पठान फिल्म के एक्टर एंड एक्ट्रेस को कितना फीस मिला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीपिका पादुकोण की। ओम शांति ओम की ही तरह पठान फिल्म से शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी दर्शकों को फिर से लुभाएगी और शाहरुख खान के साथ उनका जोड़ी तो ऑन स्क्रीन सभी को अच्छा लगता ही है। रिपोर्ट्स के अनुसार दीपिका पादुकोण फिल्म पठान के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए फीस चार्ज किए हैं। इसके बाद नाम आता है जॉन एब्राहम का। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के अलावा जॉन एब्राहम भी इस फिल्म में मौजूद है और वह एक विलन के रोल कर रहे हैं। जॉन एब्राहम अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं और इसमें वह इसी अवतार में मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने इस फिल्म के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। तो बता दें कि इस फिल्म में आशुतोष राणा, डिम्पल कपाड़िया, सिद्धार्थ आनंद और सलमान खान का छोटा सा कैमियो रोल भी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि फिल्म दर्शकों को पसंद आती है या फिर यह फिल्म भी बॉयकॉट का शिकार हो जाती है। और अब आखिर में हम बात करेंगे शाहरुख खान के फीस के बारे में। फिल्म पठान के लिए शाहरुख खान करीब 4 साल से मेहनत कर रहे हैं और इस फिल्म के लिए उन्होंने अपने फिटनेस में भी काफी ज्यादा मेहनत किया है। उन्होंने तगड़ी डाइट और इंटेंस वर्कआउट भी किया है। इस फिल्म के लिए उन्होंने जी जान से मेहनत की है और जब मेहनत की है तो फीस भी डबल ही लेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस चार्ज किया है शाहरुख खान ने। शाहरुख खान इस फिल्म के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। तो ये था बॉलीवुड से जुड़े आज की कुछ न्यूज अपडेट। इसी तरह की न्यूज के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।